मेरा नाम चौधरी हमजा तारिक है और आप चौधरी हमजा तारिक यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इसको हमने डिजिटल एकेडमी का नाम दिया है। डिजिटल एकेडमी के नाम से हमारा चैनल है। इसमें हम डिफरेंट सीरीज ऑफ लेक्चर लेकर आए हैं, डिफरेंट लेक्चर्स को स्टार्ट करेंगे। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम को। तो चलिए आइए मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम को अंडरस्टैंड करते हैं क्या होता है। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम को अंडरस्टैंड करने से पहले सबसे पहले हमें यह जानना बड़ा जरूरी है कि सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो सिस्टम हमारे पास ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं विच वर्क टूगेदर फॉर अ सेम गोल और फॉर अ कॉमन गोल। कॉमन गोल, ऐसा सिस्टम जो ग्रुप ऑफ कंपोनेंट जिसमें मिलकर काम करते हैं और एक सेम गोल के लिए काम कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, गाड़ी है और उसको आपने आगे को चलाना, तो इसका मतलब यह है कि उसके जो चारों व्हील है वो आगे की तरफ मूव करने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो उसके व्हील आगे की तरफ जा रहे हो और दो व्हील उसके पीछे की तरफ जा रहे हो, ऐसा गाड़ी नहीं चल सकेगी। ठीक है, तो सिस्टम भी इसी तरह से है कि जब सारी ऑर्गेनाइजेशन के लोग एम्प्लॉयज मिलकर एक काम पर फोकस करते हैं तो इसका मतलब एक गोल पर फोकस करेंगे तो वो सिस्टम और उस ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सकेंगे। सिस्टम हमारे पास कई तरह के हो सकते हैं, उनमें से एजुकेशनल सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो एजुकेशन सेक्टर को रन करने के लिए यूज होगा वो एजुकेशनल सिस्टम कहलाएगा। ऐसा सिस्टम जो पॉलिटिकल सिस्टम को रन करने के लिए चलाएगा वो पॉलिटिकल सिस्टम कहलाएगा। नेशनल सिस्टम, किसी भी कंट्री का एक नेशनल सिस्टम हो सकता है, ठीक है, जो उस कंट्री को चलाने के लिए यूज किया जाता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसके बाद आपके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है वो आपका उस ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम हो सकता है। ये सिस्टम बेसिकली काम क्या करता है, ये डाटा लेता है, डाटा को प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन के अंदर और आपको आपके लिए काम जो है वो आसान कर देता है। इनपुट देते हैं हम, वो प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग में क्या किया जाता है, डाटा को अरेंज किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है और वो आपको आउटपुट की सूरत में आपको डाटा जो है वो प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, ये तो बेसिकली काम कर रहा है हमारा सिस्टम। अब हम उसके बाद अंडरस्टैंड करते हैं इंफॉर्मेशन को, प्रोसेस डेटा इंटू इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम की मदद से हम डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास डेटा है, इस डेटा को आप प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करने का एक प्रोसीजर है जिसमें डेटा को रिकॉर्ड किया जाएगा। सबसे पहले कोई चीज आपने देखी, उसको आपने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, उसको समराइज किया, उसके एक शेप बनाई, उसको एक फॉर्म में लेकर आए, उसके बाद कंपेयर किया डेटा को, फिर उसके बाद आप प्रेजेंट कर दें। कंपेयर करने के बाद डेटा को आगे प्रेजेंट कर दिया जाता है, वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली इंफॉर्मेशन का प्रोसेस है। इंफॉर्मेशन की हमारी डेली लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंस क्या है, इन्फॉर्मेशन आपको किसी बैंक डिटेल, अपने अकाउंट की डिटेल्स चाहिए कि आपने एक मंथ के अंदर कितनी ट्रांजैक्शंस की हैं, तो वो सारी की सारी डिटेल जो है वो आप ले सकते हैं। उसको आप एक आपको फॉर्म की सूरत में मिलती है कि एक मंथ में इतने टाइम पे इतने बजे आपने ये ट्रांजैक्शन की है, तो वो बेसिकली क्या हो जाती है आपके लिए, वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है। क्लियर है? अच्छा जी, उसके बाद आपके पास है मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये देखें, अब जब आप इन्फॉर्मेशन सिस्टम को समझ लेंगे, इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको ऐसा सिस्टम जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे आपकी मैनेजमेंट को, वो क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अच्छा, अब इसके लिए बड़ा जरूरी है कि आप अंडरस्टैंड करें मैनेजमेंट क्या होती है। मैनेजमेंट तीन तरह की हो सकती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, मिडल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। तीन तरह की मैनेजमेंट है। टॉप लेवल मैनेजमेंट ऐसी मैनेजमेंट होती है जो हैंडल करती है प्लानिंग्स को, ठीक है, प्लानिंग सीईओ होते हैं इसमें शामिल, वो प्लान करते हैं चीज़ों को और जो उस प्लान्स को इम्प्लीमेंट करवाते हैं वो मैनेजर्स होते हैं। वो क्या काम करते हैं, मिडिल लेवल मैनेजर, वो कंट्रोलिंग करते हैं। उसके बाद लोअर लेवल मैनेजमेंट है जो एक्चुअली ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है। फॉर एग्जांपल, डाटा एंट्री, आपने डाटा को एंटर करना है, ये एक्चुअल ऑपरेशन है, ये कौन परफॉर्म करता है, ये लोअर लेवल एम्प्लॉयज या मैनेजर परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो मैनेजमेंट हमारा प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड ऑपरेशन कंट्रोल होता है। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम, ऐसा डिजाइन सिस्टम जो मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाया जाए डिजिटल तरीके से, उसको हम मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम भी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन MIS एंड कंप्यूटराइज्ड MIS। ठीक है, तो अब हम डिफरेंस देखेंगे मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम का और कंप्यूटराइज्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम का, इन दोनों का आपस में डिफरेंस क्या है।
तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इसलिए डिफरेंट है कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम से क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग इसमें एम्प्लॉयज इन्वॉल्व होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स इन्वॉल्व होते हैं, वो इंफॉर्मेशन बेसिकली आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है फ्रॉम कंप्यूटर। इसका जो इंफॉर्मेशन है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन में ह्यूमन भी रोल प्ले करते हैं और कंप्यूटर भी रोल प्ले करता है, ये मिक्स इनका जो कॉम्बिनेशन होता है ये दोनों मिलकर रोल प्ले करते हैं, इस वजह से भी ये डिफरेंट है। इंटरनल टू ऑर्गेनाइजेशन, ये इंटरनली भी यूज हो सकती है और एक्सटर्नली भी इसको मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन को यूज किया जा सकता है, और इसकी एक्सटर्नली भी इंफॉर्मेशन आप गेट कर सकते हैं और इंटरनली भी इसका यूज है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी, एक्सटर्नली भी इंफॉर्मेशन आप ले भी सकते हैं और प्रोवाइड भी किसी को इंफॉर्मेशन कर सकते हैं। आउट ऑफ जितने भी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ये आपस में रिलेट कर रही होती हैं, इंटेग्रेटेड होती हैं और अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम की तो उसमें ये थोड़ा सा CIS कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम ये उससे डिफरेंट क्यों है, ये लिटिल बिट मोर टेक्निकल होता है। क्यों टेक्निकल होगा, ये सारे का सारा काम जो है ये कंप्यूटराइज होता है, कंप्यूटर्स की वो जो कोड्स होते हैं उसकी बेसिस पे हम ये डाटा सारे का सारा ले रहे होते हैं, इसलिए थोड़ा सा ये टेक्निकल होता है। स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू कंप्यूटर, इस पर जितना भी काम किया जाएगा वो सारे का सारा रिलेटेड टू कंप्यूटर्स होगा, उसी के कोड्स में काम किया जाएगा, उसी को जीरो एंड वन की लैंग्वेज में वो अंडरस्टैंड करता है, ये बेसिकली कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट रिलेटेड टू कंप्यूटर होगी, उसके सॉफ्टवेयर उसकी उसी से रिलेटेड, ठीक है। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन थोड़ा सा उससे डिफरेंट है क्योंकि इसमें ह्यूमन बींग्स भी इन्वॉल्व होते हैं, कंप्यूटर भी इसमें इन्वॉल्व होता है। इसके बाद हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ MIS की, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले इसमें बात यह आ जाती है कि क्यों जरूरी है, कॉन्स्टेंट चेंज होता है, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज करते हैं, एक प्रॉपर सिस्टम यूज किया जाता है, यूजिंग इंटरनेट को यूज करते हुए आप सिस्टम्स को यूज करते हैं, तो कॉन्स्टेंट चेंज आता है जिससे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। इसके बाद है जी वेब सर्विसेज, वेब सर्विसेज क्या है, डिजिटलाइजेशन एंड इंटरनेट। अब आपके पास फास्ट इंटरनेट्स अवेलेबल हैं जिसकी मदद से आप दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे हुए ऑर्गेनाइजेशंस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और अपना बिजनेस को जो है वो इंटरनेशनली एक्सपेंड किया जा सकता है, ठीक है। तो इंटरनेट को यूज़ करते हुए, वेब सर्विसेज को यूज़ करते हुए अपने सिस्टम को थोड़ा सा फास्ट कर दिया है और ट्रेंडी कर दिया, जिसकी शेप जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है, ग्रोथ उसकी इंक्रीज होना शुरू हो गई, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। शॉर्टेज ऑफ टाइम, जो काम हम टाइम से हमें टाइम लगता था उस काम को करने में, वो अब उसका टाइम जो है वो टाइम स्पैन बड़ा शॉर्ट हो गया। अब आपने किसी को इंफॉर्मेशन देनी है, कोई प्लान सेंड करना है, तो आप एक ईमेल करते हैं, आप कोई और सोर्स यूज करते हुए इजीली इंफॉर्मेशन जो है वहां तक पहुंचा सकते हैं बिल्कुल कम टाइम के अंदर। नेक्स्ट आपके पास यूजर्स एक्सपेक्टेशन, अब यूजर्स आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल द्राज की वेबसाइट को ले लें, ठीक है। अब आपने कोई भी चीज़ वहाँ पे वहाँ से जो ऑर्डर करनी है तो आपके पास फ़ौरन इजी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन होती है, फास्टली आपको वो रिप्लाई कर रहे होते हैं और उनके पास इन्फॉर्मेशन आपकी जो स्टोर हो रही होती है डेटाबेस के अंदर, तो यूजर्स की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है, फास्ट एंड ईजी इन्फॉर्मेशन आप तक आना शुरू हो गई है। कोई भी प्रोडक्ट परचेज करनी है तो अब आपके पास सिस्टम इतने जदीद हैं, इतने मॉडर्न सिस्टम हैं कि आप जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन को फ़ौरन जो है वो दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। तो ये तो बेसिकली MIS का और CIS का डिफरेंस और उसकी इम्पॉर्टेंस। इसके बाद हमारे पास है बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ MIS। MIS के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किन ऑब्जेक्टिव्स पे MIS काम करता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो सबसे पहले है कैप्चरिंग डेटा, डेटा को कैप्चर करना इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। डेटा को इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज के साथ इसको कैप्चर किया जाता है ताकि वो इसको इंफॉर्मेशन में चेंज किया जा सके और इसकी डिसीजन मेकिंग की जा सके, ठीक है। जैसे इंटरनल सोर्सेज से भी डाटा को कलेक्ट किया जा सकता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फिर उसको प्रोसेस किया जाता है, तो डाटा को जो कैप्चर करना है वो बहुत आसान हो गया है, डिसीजन मेकिंग के लिए बड़ा इजी हो गया। उसके बाद है हमारे पास प्रोसेसिंग डाटा, डाटा को प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। प्रोसेस डेटा को क्यों किया जाता है, ताकि वो इंफॉर्मेशन में चेंज किया जा सके, उसको प्रोसेस किया जाता है फॉर प्लानिंग कंट्रोलिंग एंड ऑपरेटिंग को, वो इंफॉर्मेशन में चेंज होगा उसे प्लान किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा और ऑपरेशंस को रन किया जाएगा, उस इंफॉर्मेशन को आगे जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। थर्ड नंबर पे हमारे पास है इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्रीवल। MIS का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये देखें कितना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसका,
कि जो इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करना बहुत आसान हो गया। आपके पास थाउजेंड्स ऑफ जो डेटाबेसिस के अंदर डेटा जो है वो स्टोर किया जा सकता है, उसके बाद उसको जब चाहें जिस वक्त आप चाहें उसको रिट्राइव करना भी बहुत आसान है। आप उस डेटा को वापस जो है वो सर्च बार के अंदर लिख के या कोई भी डेट जिस डेट से आपने उसको एंटर किया होगा आप उसको रिट्राइव भी कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोपेगेशन, इंफॉर्मेशन को आगे भेजना, उसको फैलाना, उसको लोगों तक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, उसकी मार्केटिंग करना, उसको आगे भेजना, वो भी बहुत आसान हो गया। ठीक है, तो MIS जो है वो हमें डिफरेंट ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रोवाइड करिए। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ MIS, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम की कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी हैं, चलिए उनको देख लेते हैं। सबसे पहले है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ करते हुए आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, आप को फोरकास्ट करने की सलाहियत होती है आपके पास, आप डाटा को फोरकास्ट कर सकते हैं, इजी हो जाता है ना। डाटा आपके पास अवेलेबल होता है, आप एस्टीमेट लगाते हैं और उसकी अकॉर्डिंग आप जो है वो उसकी फोरकास्ट कर लेते हैं, प्लान कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज़ बनानी है, प्रोडक्शन करनी है, तो आप जो है वो लोगों से नीड एनालिसिस करते हैं, डाटा को गैदर्ड करते हैं, उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद आप प्लान बनाते हैं कि आपको कितनी चीज़ रिक्वायर्ड है। ठीक है, कितने कस्टमर्स उसको लाइक किया, कितनी चीज़ आप बनाना चाहिए, आपको कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने चाहिए। नेक्स्ट है कंप्लीट व्यू ऑफ डायनामिक्स एंड स्ट्रक्चर। कंप्लीट व्यू प्रोवाइड करता है आपको, उसकी करेक्टरिस्टिक शामिल है कि डायनामिक व्यू है, स्ट्रक्चर आपको बड़ा आसान देता है और वाइड स्ट्रक्चर होता है बेसिकली जो है वो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम का। ठीक है, जहां से आपको हर चीज़ जो है वो क्लियर नज़र आ रही होती है, जहां से आपके पास डाटा बिल्कुल क्लियर फॉर्म में होता है, ठीक है, रॉ फॉर्म में नहीं होता। कंप्लीट एंड कंप्रीहेंसिव सिस्टम है, कवरिंग ऑल इंटरकनेक्टिंग इंफॉर्मेशन। एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कंप्यूटर्स को यूज़ करते हुए, डिजिटल नेटवर्क को यूज़ करते हुए एक ऐसा सिस्टम हम प्रोड्यूस कर पाते हैं जो कि जितने भी सिस्टम्स होते हैं उनको इंटरकनेक्ट कर देता है, डिफरेंट कंट्रीज़ को आपस में मिला देता है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को आपस में अटैच कर देता है। लाइक बैंकिंग सिस्टम है, ठीक है, इसमें आपने सेंट्रलाइजेशन देखा होगा, डिसेंट्रलाइजेशन देखा होगा, तो ये इंटरकनेक्ट कर देता है और एक कंप्रीहेंसिव सिस्टम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का। एबल टू फोरकास्ट एंड एस्टिमेट एडवांस इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये एडवांस इंफॉर्मेशन जो है वो इससे आप फोरकास्ट कर सकते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के। उसका एडवांटेज क्या होगा, कंपेटिटिव एडवांटेज होता है, आप अपने कंपेटिटर से आगे जा सकते हैं, आप अपनी ग्रोथ को इंक्रीज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड एनालिसिस जो आपने फोरकास्ट किए होंगे, एस्टिमेट किए होंगे। उसके बाद है लिंकेज बिटवीन ऑल सिस्टम्स, इट हेल्प्स इन करेक्ट डिसीजन। ये सारे सिस्टम को आपस में लिंक कर देता है, सेंट्रलाइजेशन कर देता है, जहाँ से एक ही इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है और आप उसी के अकॉर्डिंग जो है वो एक्ट करते हैं, इसमें जो है वो किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, सारे के सारे सिस्टम करेक्ट लिंकेज होते हैं और एक ही तरह की इन्फॉर्मेशन हर जगह पे उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस के अंदर प्रोवाइड की जा रही होती है। तो ये बहुत ही आसान कर दिया उसने MIS ने इसको। तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम की। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट टाइप है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम, ट्रांजैक्शन सपोर्ट सिस्टम, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्कूल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, हमारे पास बहुत सारी किस्में हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम की, कुछ चंद एक जो है वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की। ऐसा सिस्टम जो डिसीजन मेकिंग की एक्टिविटीज़ में हेल्प आउट करे, डिसीजन लेने में हेल्प आउट करे, मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग की में हेल्प आउट करता है, उसको हम डिसीजन मेकिंग सपोर्ट सिस्टम कहा जाता है। सपोर्ट बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन, ऐसी कोई भी एक्टिविटीज जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रही होती हैं उस पर डिसीजन मेकिंग लेने के लिए जो सिस्टम हेल्प आउट करता है उसको डिसीजन मेकिंग सपोर्ट सिस्टम कहा जाता है। ये किसके लिए हेल्पफुल होता है, मिडल मैनेजमेंट के लिए, या मिडल मैनेजर इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं जिन्होंने कंट्रोलिंग करनी होती है, ठीक है, वो ज़्यादातर डिसीजन मेकिंग सपोर्ट सिस्टम को यूज़ करते हैं। डिसीजन मेकिंग सपोर्ट सिस्टम हेल्प करता है हमें टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं तो डिसीजन मेकिंग सपोर्ट सिस्टम जो है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट करके उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारी हेल्प आउट करता है। तो ये डिसीजन मेकिंग सपोर्ट सिस्टम का बेसिकली काम होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम है, इसको आप एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम भी कहा जा सकता है, ठीक है, आल्सो नाउन एज EIS, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम।
इज अ सॉफ्टवेयर अलाउज टू वर्क क्विकली। अच्छा, इसको मैं बेसिकली आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ। होता क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप जितनी भी एग्जेक्टिव लेवल की एक्टिविटीज हो रही होती हैं उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उन एक्टिविटीज को जो है वो गैदर करने के लिए और क्विकली इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए जो सिस्टम यूज किया जाता है उसको एग्जेक्टिव सपोर्ट सिस्टम कहा जाता है, और एग्जेक्टिव स्टॉप लेवल इसको यूज करते हैं। इज अ सॉफ्टवेयर अलाउज टू वर्क क्विकली टू ट्रांसफॉर्म डेटा लाइक बिलिंग, अकाउंटिंग, स्टाफिंग, डिपार्टमेंट रिपोर्ट्स। ठीक है, ऐसा सिस्टम जो हमें बिलिंग बनाने में, अकाउंटिंग में हेल्प आउट करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको अकाउंटिंग करने में, स्टाफिंग के हमारे पास कितना स्टाफ है, कितने रिक्वायर्ड स्टाफ हैं, और डिपार्टमेंट्स हमारे पास कितने हैं, उसके उसकी जो रिपोर्ट्स बनाने में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की, सेल डिपार्टमेंट की, इन सब डिपार्टमेंट्स के अलग अलग रिपोर्ट्स बनाने में हमें जो हेल्प आउट करता है उसको एग्जेक्टिव सपोर्ट सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल से देख लेते हैं एग्जेक्टिव सपोर्ट सिस्टम की। स्टेटस ऑफ प्रोडक्शन बाय प्रोडक्ट, अगर आपको एक प्रोडक्ट का स्टेटस चाहिए कि उसकी कितनी प्रोडक्शन रिक्वायर्ड है या कितनी प्रोडक्शन उसकी हो रही है, तो हम उसकी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं किस सिस्टम के साथ, एग्जेक्टिव सपोर्ट सिस्टम के साथ। उसके बाद हमारे पास है एक्सपर्ट सिस्टम, ऐसा सिस्टम है जिसमें एक्सपर्ट्स की मदद से हम जो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, इसमें खास किस्म की प्रॉब्लम्स जो होती हैं रिलेटेड टू योर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने में हेल्प आउट की जाती है। नॉलेज बेस्ड सिस्टम होता है बेसिकली। ये काम कैसे करता है, यहाँ पे देखें क्यूरी जनरेट हो रही है। ठीक है, एक ऐसी प्रॉब्लम जो है, एक पर्सन है, ये देखें ये एम्प्लॉय है, इसने प्रॉब्लम को जनरेट किया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वो यूजर इंटरफेस में गई है, यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन उसकी जो है वो आगे उसके सिस्टम में गई, उसके बाद इंटरफेस इंजन में गई है, यहाँ से प्रॉब्लम जो है वो नॉलेज बेस गई, जहाँ पे आपके पास डाटा सेव है उन प्रॉब्लम्स को, ऑलरेडी जो प्रॉब्लम्स हैपन होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनका डाटा ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल होता है, उसको नॉलेज बेस कहा जा सकता है या उसको एक्सपर्ट्स की राय कहा जा सकता है। एक्सपर्ट्स ने उस पर ओपिनियन दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखें एक्सपर्ट्स ने ओपिनियन दिया, वो दोबारा नॉलेज बेस से आपकी इंफॉर्मेशन इंटरफेस इंजन के अंदर आई, इंटरफेस इंजन से यूजर इंटरफेस गई, और यहाँ पे जिस पर्सन ने क्यूरी पूछी थी उसको यहाँ पे एडवाइस कर दी गई है कि आपने इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है। तो यहाँ इस तरह से बेसिकली हमारा एक्सपर्ट सिस्टम काम करता है। ठीक है, इसके बाद कुछ और सिस्टम का मैंने जिक्र किया है, ट्रांजेक्शन सपोर्ट, जो डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं उसको कंप्यूटराइज तरीके से सॉर्ट आउट करने में ये सिस्टम हमें हेल्प आउट करता है। मार्केटिंग से रिलेटेड जितना भी सिस्टम काम करता है, प्रमोशन, प्रोडक्ट्स की प्रमोशन, ठीक है, उसके लिए मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम काम करता है। स्कूल की इन्फॉर्मेशन सिस्टम के लिए मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी का जिक्र करता हूँ, यूनिवर्सिटी में कितने टीचर्स काम करते हैं, कितने एमफिल हैं और कितने पीएचडी टीचर्स हैं, किस डिपार्टमेंट में कितने टीचर्स काम कर रहे हैं, उस सारी चीज़ों का रिकॉर्ड या सिस्टम के साथ जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको हम यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम और स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम भी कह सकते हैं। ठीक है, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, अब ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम में ऑफिस के अंदर क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, किस तरह से वो ऑटो वर्क हो रहा है, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम भी कंप्लीट हो गया। तो ये तो था बेसिकली हमारा MIS का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके एडवांटेजेस और टाइप्स को देखा है, डिस्कस किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियोस मिलती रहे। इसी तरह आप देखते रहें, चैनल को सपोर्ट करते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।